बहुत बढ़िया, मारो मारो मारो, मत कंट्रोल करो, नहीं तो अभी हमें भी फाइट के लिए ये धकेल देंगे। चलो चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। कहाँ जा रहे हो? चलो अपनी जगह पर बैठो, चलो, और खबरदार अपनी जगह से हिले दो। आज की आखिरी फाइट के पहले कंटेस्टेंट हैं मिस्टर मोटू। मोटो ये क्या किया? अब हमें भी फाइट करनी पड़ेगी। साथ मुकाबला करेंगे अभी तक के सबसे खतरनाक फाइटर स्मैशिंग बोगाटा। ये कहां फंस गया रे? से नहीं बच सकते, कम ऑन फाइट विद मी। अरे नहीं नहीं, हमें फाइट नहीं करनी है, नहीं करनी है फाइट। हम यहाँ फाइट करने के लिए नहीं आए हैं, प्लीज हमें जाने दीजिए प्लीज। इसे यहाँ आ गए हैं, हम यहाँ फाइट करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ से जाना है तो सबको हरा के ही जा सकते हो। फाइट एंड विन योर फ्रीडम, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ओके सेंसेई, आप मजबूर कर रहे हैं तो फाइट करूँगा, लेकिन मेरे ये कोई भी दोस्त फाइटर नहीं है। आप कहे तो मैं इन सब की तरफ से लड़ूंगा। परमिशन ग्रांटेड, तुम जैसे दोस्त बहुत कम ही मिलते हैं। लेट्स फाइट। स्मैश कर दूंगा, स्मैश कर दूंगा तुम्हें। तुम यहाँ आते हो या मैं? मोटो मत जाओ उसके पास, बहुत ताकतवर है वो। जितना भी ताकतवर हो, मोटो को चैलेंज कर रहा है। आइडिया, मोटो इधर आओ। ये कौन है? वो मिस्टर मोटो कहाँ गया? इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। करने के बाद यहाँ पर जा चैनल खुलेगा, उस पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करने के बाद फिर से वीडियो पर आ जाएं और दोबारा उसको चलाएं, जिससे यह वीडियो चल जाएगी। मैं ही हूँ रे, मलहम पट्टी करवा के आ रहा हूँ। जाओ अब प्लास्टर लगवा के आओ, वरना स्मैश कर दूंगा। मुझे लगता है
मिस्टर मोटू ना लड़ने के लिए ही ये सब नाटक कर रहा है। मिस्टर स्मैशिंग बुगाटा, इस नौटंकी बाज को खत्म कर दो। With pleasure. तो अपने सारे गुरुओं को याद करो और फाइट करो। अब कॉमेडी से काम नहीं चलेगा। फोकस और फेथ, दो शब्द याद रखो। जो कर रहे हो उस पर पूरा फोकस करो और खुद पर फेथ रखो। दम है इसमें। Winner is Modu. अच्छा फाइटर है ये। आज की फाइट्स यही खत्म होती है। कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग गेस्ट हाउस में जाके रेस्ट करिए। हाँ। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाकर चैनल खुलेगा, उस पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करने के बाद फिर से वीडियो पर आ जाएं और दोबारा उसको चलाएं, जिससे यह वीडियो चल जाएगी। ठीक है अब जाके बैठ जाइए। देखो उस कार में नजर सिंह है, उसे जरूर पता होगा कि यह आपको कहाँ है। चलो उसका पीछा करते हैं। चलो ड्राइवर, बस हमें नहीं करना है। बीच में बस रोकने का ऑर्डर नहीं है। छोड़ो छोड़ो, ये बस सीधा गेस्ट हाउस जाके रुकेगी। Come on, boys. Boss, काम हो गया। मैं पाउच लेकर आ गया, man. अच्छा। शाबाश शिंगमी, तुमने आज ऐसा काम किया है जो कोई नहीं कर सकता था। मेरे सालों की मेहनत रंग लाई। इसमें डेविल्स हार्ट तक पहुंचने के रास्ते का मैप है। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाकर चैनल खुलेगा, उस पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करने के बाद फिर से वीडियो पर आ जाएं और दोबारा उसको चलाएं, जिससे यह वीडियो चल जाएगी। 3 टुकड़े हैं। चौथा टुकड़ा जिसके पास है वो मेरी कैद में है। अब तक मैं उसके साथ नरमी से पेश आ रहा था, अब उसे चौथा टुकड़ा देना ही होगा। वैसे हम तुमसे बहुत खुश हैं शिंगमी। थैंक यू सेंसेई गोरिल्ला। तुम लोगों को पता है कि डेविल्स हार्ट क्या है? शायद नहीं पता। डेविल्स हार्ट को मैं अगर फुल मून के दिन अपने सीने पर लगा लूं, तो धरती पे मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। और फुल मून कल रात को है, मेरे पास टाइम कम है।
बल्क, कल रात तक उस आर्को से मैप का चौथा टुकड़ा हासिल करो, बाय हुक या बाय क्रुक, नहीं तो उसे खत्म कर दो। यस 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 सेंसे। डेविल्स हार्ट किसी के हाथ न लगे, इसलिए उसे जहाँ छुपाया गया है उसके मैप के चार टुकड़े करके चार अलग अलग देशों में छुपा दिया गया, और मैंने करोड़ों रुपए खर्च करके उसके तीन टुकड़े हासिल कर लिए। क्या मजाक है ये, इसमें मैप के तीन टुकड़े होने चाहिए, वो कहाँ है? सेंसे, हमने पाउच को खोलकर कभी नहीं देखा, हमको तो ये आपको हैंड ओवर करने को दिया गया था मैन। लेकिन ये वो पाउच नहीं है, असली पाउच कहाँ गया बताओ, वरना तुम लोगों को यही के यही खत्म कर दूंगा। याद आया मैन, एयरपोर्ट पर एक आदमी हमसे टकरा गया था, उसी से वो पाउच बदल गया होगा। इतनी आसानी से मेरे सालों की मेहनत पे पानी फेर दिया। कल रात फुल मून है, उससे पहले उस मैप के तीनों टुकड़े और वो चौथा टुकड़ा भी मेरे पास होना चाहिए, वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। जाओ। सर, हमने आर्को के भाई बॉक्सर को पकड़ लिया था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे बचा लिया, वो बहुत अच्छे फाइटर थे। यूजलेस, तुम सब यूजलेस हो, मैंने बेकार आदमियों की फौज पाल रखी है, जाओ उसे पकड़ के लाओ, वरना तुम भी नहीं बचोगे, फौरन जाओ। हमें कैसे भी करके नजर सिंह को ढूंढ के पकड़ना ही होगा, वही हमें बता सकता है कि आर्को को कहाँ छिपा के रखा है, कहाँ कैद करके रखा हुआ है। क्या तुम सच में किसी कैदी को छुड़ाने आए हो? प्लीज प्लीज हमारी भी मदद कर दो, हम भी यहाँ काफी टाइम से कैद हैं। वुहान गोरिल्ला को जो वीक फाइटर लगता है उसे वो कैदी बना कर रखता है, और अगर किसी फाइटर ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे प्रिजन में डाल देता है। मुझे अपनी फैमिली की बहुत याद आती है, मैं बताऊंगा आप सबको कैदियों को कहाँ रखा हुआ है। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? यहाँ जो भी आता है उसे कंपटीशन में लड़ना ही पड़ता है, जो हार गया उसे जेल में डाल देते हैं और यहाँ का सारा काम करवाते हैं, जो जीत गया उसे सेंसेई गोरिल्ला की टीम में शामिल होना पड़ता है, अगर नहीं हुआ तो उसे भी जेल में डाल दिया जाता है। हम सब जो यहाँ होटल में काम कर रहे हैं एक तरह से हम सब कैदी ही हैं, और जब उन्हें यकीन हो जाता है कि हम यहाँ से भागेंगे नहीं तो हमसे सारे काम भी करवाए जाते हैं। अरे लेकिन जेल कहाँ है? सेंसेई वुहान गोरिल्ला के पैलेस में, सब कैदी वहीं होते हैं। अरे माँ, लेकिन पैलेस में जाएंगे कैसे, वहाँ तो बहुत गार्ड्स होंगे। मैं तुम सबको वहाँ ले जा सकता हूँ, चलो अभी चलते हैं। चलो चुपचाप चलते हैं, चलो। उस आदमी को मैं कहाँ ढूंढूं जिससे पाउच एक्सचेंज हुआ है मैन? ये क्या कर रहे हो भाई साहब, जरा देख के मारो। हाँ हाँ सॉरी, अब जाओ। उल्टा पुल्टा ठीक से बात करो। चोरों ने मुझे, अब जाने भी दो। अरे बॉस वो तो, बॉस वो तो, आप बताए वो अपने को गुस्से से बोल के गया। अरे बॉस वही तो, आप बताए वो गुस्से में बोला। अरे क्या वो तो वही आदमी है जो हमसे एयरपोर्ट में टकराया था। पहले क्यों नहीं बोला मैन, अब चलो जल्दी। क्या बॉस, हम नहीं आते, पहले बोलने नहीं देते हो और ऊपर से मारते भी हो। अब चलो नौटंकी मत करो, नहीं तो वुहान गोरिल्ला हमें छोड़ेगा नहीं, फिर हमेशा के लिए रोना पड़ेगा। हाँ
हाँ चलिए चलिए बॉस। ये कौन सा रास्ता है? ये एक सीक्रेट रास्ता है। ये है वुहान गोरिल्ला का पैलेस और इसके नीचे है वो प्रिजन। यहाँ से चढ़ के आप लोगों को ऊपर जाना होगा और कोई रास्ता नहीं है। बीच में मिलेगी आपको एक केव जो आपको तहखाने तक लेकर जाएगी, लेकिन वो इतनी आसानी से आपको दिखेगी नहीं। ये रास्ता बहुत डेंजरस है, इसलिए संभल कर जाना। फिर मिलेंगे। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। करने के बाद यहाँ पर जा चैनल खुलेगा, उस पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करने के बाद फिर से वीडियो पर आ जाएं और दोबारा उसको चलाएं, जिससे यह वीडियो चल जाएगी।